मतलब जो बेटा खराब लगा पीएम ही बन जाओ, सकता मैंने बंद कर रखा है। हाँ, है। हाँ धोखा दे के ही बनेगा, धोखा देके बनेगा। और इस जमाने में धोखा देना रवायत है। ओके ओके क्लियर। अब इसका कार्मिक दंड आपको क्या मिलेगा वो समय बताएगा। लेकिन आज तो मैं 10 साल 15 साल के लिए पीएम बन गया, ऐसी तैसी में जाए जो बिडर, समझ गए। आम आदमी ऐसे ही सोचता है ना, आम आदमी ऐसे ही सोचता है, और उसका उसको भुगतान करना पड़ता है। कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, वो देखा जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले में करेगा, बच तो के थोड़ी जाएगा। अब ये हम और आप जैसे लोग हैं कुछ, जो अगला पिछला जन्म सब सोचते हैं, है ना, कर्म कर्म दंड ये सब पढ़ते हैं। ये सब लोग जो है ये सब नहीं सोचते, इनको ये सब सोचना होता तो उस लाइन में जाते ही नहीं। उनकी लाइन ही ऐसी है, वहां पे यही चलता है, वहां पे कोई एक दूसरे को पढ़ाता नहीं है, सब एक दूसरे की टांग काटते हैं। काटते नहीं काटते, पॉलिटिक्स में यही होता है ना। जिस इलाके में मैं नेता हूं उस इलाके में दूसरा कोई नेता आना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स का पहला असूल है, एक इलाके में एक ही राजा, दूसरा राजा पैदा नहीं हो सकता। पैदा होगा तो सबसे पहले उसी को काटा जाएगा। राजा की अपनी फौज में भी कोई राजा बनने के ख्वाब देख लेना तो राजा सबसे पहले उसी को मरवा देता है, चाहे वो उसके मिनिस्टर पोर्टफोलियो में हो। ये राजा का स्वभाव है। वो बृहस्पति अच्छा होगा खराब होगा थोड़ी सोचेगा, यही गड़बड़ होती है। जिसका रेट्रो जुपिटर होता है वो एक ही गलती को बार 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 जिंदगी में करता है। यही तो मैं कह रहा हूं, आप वो गलती करोगे क्यों? आपको इंस्टेंट बेनिफिट नजर आया, आपने गलती कर दी, रेट्रो ने अपना काम दिखा दिया ना, आपके कर्म खराब कर दिए ना। आया क्या था इस बार टेस्ट पेपर में, आपको जुपिटर रेट्रो मिला है। आपको करना क्या है, इसको ठीक करो भाई। भाई पत्री आपको क्या बताती है, करेक्शन अपने कर्मों के करो, आपसे जो गलतियां हो रही हो उसको ठीक करो, आपको जो सही पाथ है उस पे चलो। ज्योतिष इसीलिए तो है, हेलो हेलो। आपका रेट्रो जुपिटर है, आपने फिर भी वही किया तो यस फिर आपके और बाकी लोगों में क्या फर्क रह गया? यस अब आप ये समझते हो, आपको ये पता लग गया कि जुपिटर रेट्रो होगा तो यू विल डू दिस मिस्टेक थ्राइस, यस एटलीस्ट दो बार तो करोगे ही करोगे। आप बोलो नहीं नहीं मुझे तो करनी है क्योंकि मेरे सामने तो पीएम की कुर्सी है, तो फिर ये चॉइस आपकी है। हमारा सूत्र तो फिट हो गया ना, पर सर उनको हम तो फायदा सूत्र की तो बात कर रहे हैं। हो रहा है, मतलब हाँ तो हो रहा है। जुपिटर रेट्रो को नहीं मान के बल्कि उनका फायदा हो रहा है तो। हाँ ये आपको जो फायदा दिख रहा है वो क्षणिक फायदा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसको फायदा नहीं बोलते। धोखे देने से फायदा होने को फायदा नहीं गिना जाता, चीटर बोला जाता है। ईश्वर की नजर में आप बेईमान हो। अब आपको ईश्वर कौन, हम तो जानते नहीं किसी को, तो फिर आपको मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये सारा तो फेथ का सिस्टम है ना आई एम डूइंग समथिंग बैड, तो मैं क्या कहते हैं लोग, अरे ईश्वर से डरो भाई, भगवान से डरो कुछ, है ना। अब हम मैं मानता ही नहीं भगवान है कोई, तो मैं किससे डरूं, आई डोंट नो हु इज गॉड। मैं तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं नास्तिक हूं, डराओ मुझे। अब मैं जब नास्तिक हो जाऊंगा मुझे कैसे डराओगे बताओ, फिर आप मुझे भाषा पढ़ाओगे एथिक्स की, ये एथिक्स होते हैं, एथिकल होना चाहिए, है ना। ये एथिकल अनएथिकल सब हमारे दिमाग का कंफर्ट जोन क्रिएट किया गया है, स्वर्ग नरक सब क्रिएट किया गया है, सो दैट वी शुड हैव अ डिसिप्लिन लाइफ। बुरे कर्म करोगे नरक में जाओगे, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, देखा किसी ने, बट कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट से डर के आप अच्छे काम करते हो। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट मेड बाय ह्यूमन बींग्स, नॉट क्रिएटेड बाय द गॉड। ये बहुत लंबी बहस है अनएथिकल एथिकल वाली, इसका कोई अंत नहीं है।